महेंद्रगढ़ गांव झुक में गुप्त सूचना मिलने पर सीआईए महेंद्रगढ़ ने एक स्विफ्ट गाड़ी से अवैध देसी और अंग्रेजी शराब की 20 पेटी पकड़ने में सफलता हासिल की है और स्विफ्ट गाड़ी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीआईए महेंद्रगढ़ ने एसआई दलील सिंह ने बताया कि गांव सिगड़ा के बस अड्डे पर गश्त पड़ताल सूचना मिली थी कि गांव के झुक में संदीप नाम का युवक अवैध शराब बेचने का कारोबार करता है, जो गाड़ी में शराब भरकर पथेड़ा माइनर से कच्चा रास्ता होते हुए झुक गांव की तरफ आएगा। हमारी सीआईए की टीम सिगड़ा गांव बस अड्डा पर मौजूद थी, जो मुखबर खास ने मुलाकात हो गए, टीम को सूचना दी कि एक संदीप नाम का कोई शराब का तस्कर है, वो काफ़ी समय से शराब का काम करता रहा है और आज अपनी स्विफ्ट गाड़ी में, सफ़ेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी है, उसमें शराब भर के गांव जो कच्चा रास्ता नहर के कच्चा रास्ता से आएगा। जो हमारी टीम ने इस सूचना को काबिले गौर मान के मुखबर के बताए गए स्थान पर नाकाबंदी की तो कुछ ही देर में एक स्विफ्ट गाड़ी हमारी टीम को आती हुई दिखाई दी, जो रास्ता खराब होने के कारण रास्ते में काफ़ी कीचड़ था, गाड़ी वहाँ स्विफ्ट गाड़ी वहाँ फंस गई और वो पुलिस पार्टी को देख कर कीचड़ में ही गाड़ी को छोड़कर मौका से भाग गया। हमारी टीम ने सरपंच को मौका पर बुलाया और सरपंच की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी में करीब 19 पेटी शराब देसी और 1 पेटी शराब अंग्रेजी बरामद हुई और गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी पहले से ही पीछे से क्षतिग्रस्त पाई गई। जो गाड़ी और शराब दोनों को हमने कब्जा पुलिस में लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।